हेलो एंड वेलकम टू V3Cars। क्या आप जानते हैं कि कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में Hyundai ऑरा के आने के बाद Xcent को सिर्फ कमर्शियल बायर्स को ही ऑफर किया जाएगा। खैर, अगर आप Hyundai Xcent डीजल लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कार का सबसे सुटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3Cars को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। अब Xcent डीजल के वेरिएंट एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए Xcent के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। Xcent पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में अवेलेबल है। Xcent डीजल चार वेरियंट में आती है, ई, एस, SX एंड SX ऑप्शन। इसके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 6.77 लाख से और टॉप डीजल मैनुअल वेरिएंट का प्राइस है रुपीज 8.79 लाख। डीजल में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता। टेबल मेंशन सभी एक शोरूम प्राइसेस हैं। इस वीडियो में हम Xcent डीजल के वेरिएंट कंपेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं Xcent के डीजल इंजन स्पेक्स। Xcent का 1.2 लीटर डीजल इंजन 75 पीएस की मैक्सिमम पावर और 190 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क बनाता है, लेकिन इस सेगमेंट में आपको सबसे पावरफुल इंजन फोक्सवैगन एमियो का मिलेगा, जो 110 पीएस की पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क बनाता है। Xcent और डिजायर की पावर और टॉर्क फिगर एट पार है, लेकिन होंडा अमेज में आपको 100 पीएस पावर मिलेगी। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो डिजायर की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी सभी राइवल से ज्यादा है एट 28.40 kmpl। जैसा हमने आपको पहले बताया, Xcent डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ नहीं आती। इस सेगमेंट में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन सिर्फ डिजायर, अमेज और एमियो के साथ ही मिलता है। इस सेगमेंट की सभी कार्स अभी BS4 इंजन के साथ ही आती हैं। चलिए अब चेक करते हैं Xcent के डायमेंशंस। Xcent सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट को बिलोंग करती है। आइए देखते हैं कि साइज वाइज ये अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। Xcent और इस सेगमेंट की सभी कार्स की ओवरऑल लेंथ अराउंड 4 मीटर है। इस सेगमेंट में Xcent लेंथ वाइज बाकी सभी कार से कंपेरेबल है, लेकिन विड्थ और हाइट में अपने राइवल से पीछे है। डिजायर विड्थ में सबसे आगे है एट 1735 मिलीमीटर। फोर्ड एस्पायर व्हील बेस में कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में सबसे बड़ी है एट 2490 मिलीमीटर, लेकिन बाकी सभी कार्स का व्हील बेस कंपेरेबल है। बूट स्पेस के डिपार्टमेंट में Xcent का बूट स्पेस डिजायर से बड़ा है। लास्टली, इस सेगमेंट का सबसे बड़ा फ्यूल टैंक एमियो का है और सबसे छोटा अमेज का। ये तो होगी डायमेंशन की बात। अब चलते हैं Xcent के वेरिएंट वाइज फीचर लिस्ट पे। Xcent के बेस वेरिएंट में आजकल की मॉडर्न डे कार्स के हिसाब से आपको सभी बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो आपको फ्रंट पावर विंडोज, फ्रंट पावर आउटलेट, फ्रंट एंड रियर रूम लैंप्स, दरवाजों में बॉटल होल्डर, एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट और कूल ग्लव बॉक्स जैसे फीचर मिलते हैं। इसमें मैनुअल एसी आता है, लेकिन म्यूज सिस्टम इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। स्टाइल के केस में बेस मॉडल से आपको क्रोम ग्रिल और रियर में क्रोम गार्निश मिलेगी। इसमें आपको बॉडी कलर बंपर्स भी मिलेंगे, लेकिन डोर हैंडल्स और ORVMs ब्लैक कलर में ही होंगे। इंटीरियर में टू टोन इंटीरियर होगा, ब्लू इल्यूमिनेशन होगा और टिंटेड ग्लासेस मिलेंगे। ओवरऑल कॉम्पैक्ट सेडान के एंट्री वेरिएंट होने की वजह से Xcent E बाहर और अंदर से दिखने में काफी स्ट्रिप्ड लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक फीचर्स की कमी है, जैसे कि म्यूज सिस्टम, व्हील कवर्स, बॉडी कलर्ड ORVM, बॉडी कलर्ड हैंडल्स, रियर पावर विंडोज, रिमोट की। लेकिन ये सभी फीचर्स आप रेट्रोफिट भी करवा सकते हैं, बट Xcent के नेक्स्ट वेरिएंट में ऐसे भी कुछ फीचर्स हैं जिन्हें रेट्रोफिट करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है, या रेट्रोफिट करवाने पे भी इनका फिट एंड फिनिश शायद आपको पसंद ना आए। फीचर्स लाइक स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल सीट, रियर सीट आर्मरेस्ट। अगर ये फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ई वेरिएंट से अपग्रेड करने का प्लान करें। चलिए आगे देखते हैं कि बाकी वेरिएंट्स में आपको क्या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और उस कॉस्ट में आपको क्या मिलेगा। Xcent पेट्रोल के ई से एस वेरिएंट का प्राइस डिफरेंस अराउंड 69,000 का है, और इसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट फॉग लैंप्स, रियर डीफॉगर और डियर नाइट एडजस्टेबल IRVM मिलता है। एंटरटेनमेंट के डिपार्टमेंट में आपको ऑडियो सिस्टम विद इंटीग्रेटेड रेडियो और MP3 प्लेयर मिलेगा। आप इसमें म्यूजिक ब्लूटूथ, ऑक्स और USB के थ्रू प्ले भी कर सकते हैं, और स्टेयरिंग पे ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स भी हैं। ये सिस्टम आपको 4 स्पीकर्स के साथ ही मिलेगा। इस वेरिएंट में कई नए फंक्शनल फीचर्स ऐड हुए हैं। आपको एस में ई के ऊपर कीलेस एंट्री, टिल्ट स्टेयरिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं, जो ड्राइविंग को कंफर्टेबल बनाते हैं। इनके अलावा पीछे बैठने वालों के लिए भी कुछ एडिशंस हैं, जैसे कि रियर एसी वेंट्स, रियर पावर विंडोज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, रियर पावर आउटलेट। स्टाइल डिपार्टमेंट की बात करें तो एक्सटीरियर में क्रोम एसेंट थोड़े और ऐड हो जाते हैं।
एलईडी डीआरएल मिलता है, बॉडी कलर ओआरवीएम्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, व्हील कवर्स और बूट पे लिड स्पॉइलर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एक्सेंट पेट्रोल के ई वेरिएंट से एस का जंप वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड है, यानी इसमें ऐड हुए फीचर्स हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी वर्थ जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आप एक्सेंट का प्रैक्टिकल वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं और एस आपके बजट में आता है तो आपको ये वेरिएंट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एस से ऊपर अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि इसके ऊपर के वेरिएंट को चेक करें, क्योंकि एस वेरिएंट हमारा टॉप रेकमेंडेड वेरिएंट नहीं है। एस से एसएक्स वेरिएंट का प्राइस डिफरेंस लगभग 56,000 का है और इसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रियर कैमरा और इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। एंटरटेनमेंट में 2 DIN सिस्टम की जगह आपको 7-inch ऑडियो वीडियो वाला सिस्टम मिलता है विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड मिरर लिंक कनेक्टिविटी। फंक्शनल फीचर्स में कीलेस एंट्री विद फोल्डेबल की, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओआरवीएम, वायरलेस फोन चार्जर, फ्रंट पैसेंजर सीट बैक पॉकेट, लगेज लैंप और पैसेंजर वैनिटी मिरर मिलता है। अगर हम स्टाइल एलिमेंट्स की बात करें तो आपको इस वेरिएंट से 14-inch अलॉय व्हील्स, टर्न इंडिकेटर ओवरवीएम्स, शार्क फिन एंटीना और इंटीरियर में मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स एंड क्रोम फिनिश गियर नॉब एंड पार्किंग लिवर टिप मिलती है। इस वेरिएंट में एस के कंपैरिजन में ज्यादा फीचर्स भी हैं और उनके लिए आपको अराउंड 56,000 ही एक्स्ट्रा स्पेंड करना है। अगर हम एसएक्स वेरिएंट की वर्थ बेस ई वेरिएंट के ऊपर भी कंसीडर करें तो भी इस वेरिएंट में ऐड हुए फीचर्स वो प्राइस डिफरेंस जस्टिफाई कर जाएंगे। ये वेरिएंट हमारा टॉप रेकमेंडेड वेरिएंट है क्योंकि इसमें आजकल की मॉडर्न डे कार्स के हिसाब से सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। SX से SX ऑप्शनल का अपग्रेड 77,000 का है। टॉप वेरिएंट यानी SX ऑप्शनल में आपको कीलेस एंट्री विद स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और ऑटो एसी जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। स्टाइल के डिपार्टमेंट में SX और SX ऑप्शनल के अलॉय व्हील्स में डिफरेंस है। SX ऑप्शनल के अलॉयज 15-inch के हैं, जहां इससे पहले SX में आपको 14-inch अलॉयज मिल रहे थे। इसके अलावा आपको क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स मिलेंगे, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और लेदर रैप गियर नॉब विद क्रोम कोटिंग मिलेगी। SX ऑप्शनल वेरिएंट में ऐड हुए फीचर्स के लिए ज्यादा बड़ी नहीं है और ये फीचर्स मस्ट हैव फीचर्स भी नहीं है। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग ये सब एडिशनल फीचर्स SX वेरिएंट के ऊपर अपनी वर्थ जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करते, तो ये वेरिएंट हम बायर्स को रेकमेंड नहीं करेंगे। चलिए अब आपको एक बार फिर से सभी वेरिएंट्स के की टेक अवेज बता देते हैं ताकि आपके लिए ये फाइनल डिसीजन लेना इजी हो जाए। एक्सेंट के सभी वेरिएंट्स को एसेस करने के बाद इसका एसएक्स वेरिएंट हमारे अकॉर्डिंग टॉप रेकमेंडेड वेरिएंट है क्योंकि इस वेरिएंट में आपको जरूरत के सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो आप अपनी डेली ड्राइव में अप्रिशिएट करेंगे और साथ में इसमें आपको मॉडर्न फीचर्स भी मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, एसएक्स वेरिएंट एस एंड इवन बेस वेरिएंट यानी ई के ऊपर अपनी वर्थ जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर आप बजट एसएक्स तक एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो आप एस वेरिएंट भी ले सकते हैं क्योंकि एस वेरिएंट के फीचर्स भी अपनी वैल्यू जस्टिफाई करते हैं ओवर ई वेरिएंट। ई वेरिएंट हम सिर्फ उनको रेकमेंड करेंगे जिन्हें स्ट्रिप वेरिएंट लेके उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फीचर्स ऐड करने का मन है या जो एक्सेंट के लिए अपना बजट और स्ट्रेच नहीं करना चाहते। हम SX ऑप्शनल वेरिएंट आपको रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये अपग्रेड बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें ऐड हुए फीचर्स बिल्कुल भी कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करते। ये हो गए एक्सेंट के वेरिएंट एक्सप्लेन। चलिए आपको इसमें आने वाले कलर ऑप्शंस भी बता देते हैं। Hyundai Xcent में टोटल 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस आते हैं, सिल्वर, ग्रे, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। इनमें ग्रे और ब्लू कलर काफी ट्रेंडी है, आप इनमें से कौन सा कलर लेना पसंद करेंगे आप हमें ये जरूर बताएं। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए एक्सेंट डीजल का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर एक्सेंट से रिलेटेड आपके कोई सवाल है या हमारी वीडियो से लेकर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। V3Cars लाता है आपके लिए लेटेस्ट न्यूज एंड रिव्यूज फ्रॉम द कार इंडस्ट्री, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।